हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। तो पहले वाला वीडियो में आपको बताया लीजिए, फिर आपको फ्रंट कटिंग में आपको बहुत ही आसानी मिलेगा। तो ये दो बटन सिंगल ब्रश और बैक चाक है। तो पहले आपने यहाँ से 1.25 इंची का एक निशान लगा देना है, क्योंकि छोटा साइज है तो सामना और बैक एक ही पार्ट में आ जाएगा। ज़्यादा हैवी साइज हो तो दूसरा पार्ट में करते हैं। उसके बाद में एक ऊपर निशान लगा देना है। इसका लंबाई है 17 इंची, तो 1 इंची ज़्यादा करके 18 इंची पे निशान लगा देना है और 2 इंची मार्जिन रख देना है। ये 18, 2 इंची ज़्यादा 20 हो गया। उसके बाद में आपको ये निशान जो है ये आपका छाती कमर का हो गया। अब इसको सीधा ले लेंगे। ये निशान भी अपने सीधा लगा देना है और ये नीचे का उसके बाद में अपने बैक में 2.25 इंची रखा हुआ था, तो इसमें भी आपने 2.25 इंची रखे हुए थे तो इसमें 3.5 इंची रखना है। और ये तीरा का निशान देके 4 इंची है, तो ये 4 इंची के ऊपर। और कुश्ती का निशान आपने यहाँ से 1.5 इसका लूजिंग देख लेते हैं। लूजिंग जो है ना, इसमें 5 इंची रखना है, तो ये 2.5 इंची के ऊपर एक निशान लगा देंगे। और कमर में 4 इंची रखना है, तो इधर निशान लगा देंगे। पहले लूजिंग लगा देते हैं, ये 5.5 इंची है और ये 4.5 इंची है, तो यहाँ से 5.5 इंची का निशान रखना है। ये 24 इंची है, तो इसमें से 1.5 इंची ज़्यादा करके निशान लगाना है। ये 4.5 इंची है, 22 इंची है प्लस, अब यहाँ से कुश्ती का निशान लगाएंगे। अब यहाँ से आपने 1.5 इंची में एक लाइन कम डाउन करना है, ठीक है, हो गया। अब यहाँ से आपने 1.25 इंची का प्लस 1/2 इंची एक लाइन का निशान लगा देना है। अब पहले इसका नीचे का 1.25 इंची रखते हैं और इसका 3 लंबाई लगा करके बटन का फासला करेंगे, यानी 5 इंची लगा देते हैं। 5.5 इंची प्लस बटन का फासला आपको 2.75 इंची देंगे।
अब ये सामने से गोलाई कर देंगे। अब ये जो है जो डाउन करना है ये 2.25 इंची प्लस 1.5 इंची। आप जो है ना मेजरमेंट के ऊपर ध्यान दें, और फिर मैं मार्क लगा रहा हूँ उसके ऊपर भी ध्यान दें, और स्केल के ऊपर भी से स्केल कौन सा किस जगह पे यूज कर रहे हैं, फिर आपको पूरा मालूमात चलता रहेगा। और यहाँ से अपने गले का निकाल देना, और इसमें नेपेल जो है 2.25 इंची का देना है। पौने 2 इंची का। उसके बाद में आपने यहाँ से वॉलेट पॉकेट का आपको यहाँ से आप 1 इंची प्लस 2.75 इंची का वॉलेट हो गया। अब इसका सेंटर कर लेना है, यानी 2.75 हो गया, एक लाइन कम 1.5 हो गया। तो इस हिसाब से आपको नीचे का पॉकेट का निशान लगाना है। और ये 1.5 इंची का ये वॉलेट पॉकेट से आपको 2.75 इंची का निशान लगाना है डॉट का। और ये 1/2 इंची का, ये जो डॉट का मार्क लगा है उससे 1/2 इंची आगे करके लगा देना। और यहाँ से आपने 5.5 इंची का निशान लगाना है, इसको गोल कर दीजिए। अब यहाँ से आपने 3.5 इंची का ये आप ये डॉट हो गया। अब ये सेंटर का डॉट लगा देंगे। उसके बाद में आपने इधर ये जो लूजिंग मैंने नापा हुआ था, आप ये स्केल जो है इस तरीके से ले लेना है, और अब इसको गुलाई ऐसे कर देना है। अब नीचे से राउंड डाउन कितना किया हुआ है उसको भी नाप लेंगे। 6 इंची है तो 6 इंची अभी साइड में अपने 2.5 इंची का मार्जिन दे देना है, ताकि आपको लूज टाइट जो हो इधर से ही कर सके। ठीक है, अब इसको आराम से इस तरीके से गुलाई कर दे। मेरे पास ये स्केल है, इससे मैं करता हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं ऐसे हो गया। ठीक है, उसके बाद में इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से आपने एक निशान लगा देना है। ठीक है, अब ये आप नाप लीजिए, ये 10.5 है, यानी 9 इंची आपका ये तैयार आएगा। और ये 10.25 है, 4.5 इंची के ऊपर मुझे कटिंग करना है। बाजू जो मैं कटिंग करूँगा वो 4.5 इंची के ऊपर कटिंग करूँगा, क्योंकि ये मैं एक फार्मूला बताया हूँ बाजू कटिंग का,
कैसे काटना है, तो उसमें मैं इसका हिसाब मैं बता दिया हूँ कि अगर आपको नाम नापना की ज़रूरत नहीं है, नाम नहीं नापना चाहते हैं, तो आप एकदम आसान तरीका है से यहाँ से यहाँ तक आप नाप करें, उसके बाद में बाजू कटिंग करें। आपको नाम नापने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कोई भी बड़ा साइज हो छोटा साइज हो सब साइज में एक ही आएगा। अब इसका मैं नाम नापने का तरीका भी बता दे रहा हूँ, तो इस जगह से आपने नाम नापना है। ये आपका ज्वाइंट हो जाएगा, ये हाफ इंची कम करके नीचे, उसके बाद में ये 4.25 इंची आ गया, 4.25 इंची आ गया, 6.5 इंच 6 इंची आ गया, ये 12 12 दूना 24 इंची। ठीक है, ये 24 छाती का मैंने रखा हुआ था, ये 24 छाती का आ गया। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से मैं आपको बाजू भी कटिंग करना दिखा रहा हूँ, और देखिए पहले कौन कौन सा जगह पे मार्जिन मैं रख रहा हूँ, ताकि आपको उस जगह पे मार्जिन रखें। और इस जगह से फिर सामने से ये पॉकेट का कटिंग कर लेंगे, ये साइड से निकाल देंगे। ये ऊपर से निकाल देंगे, थोड़ा सा इस तरीके से क्रॉस कर देंगे। ये मेरा बाजू का जो यहाँ से निकाला हुआ था, ये जो दिख रहा है 1/4 इंच, वो यहाँ से भी निकालेंगे, ताकि साइड जोड़ने में ज़्यादा बड़ा ना हो। और यहाँ से 1/4 इंच निकाल देंगे। ठीक है, ताकि आपको ये ज्वाइंट करने में इसे आ सके। ये ज्वाइंट जब होगा तो खुद ऑटोमेटिक यहाँ पे बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सामना हो गया, ये साइड पीस हो गया, और ये बैक हो गया। अब इसका मैं बाजू का कटिंग कर बता रहा हूँ, तो आप सब प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरा चैनल को आगे तक पहुँचाएं, और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो अपडेट करूँ तो नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले देखें। तो इसी तरीके से आपको जैकेट का, ट्राउज़र का, वेस्टकोट का सब मेरे चैनल में कटिंग मिल जाएगा, स्टिचिंग मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। बहुत ही आसानी तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं कटिंग करके रखता हूँ, तो आप देखें और फिर मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।